नमस्कार दोस्तों, मैं सतन शर्मा आपका अपना चैनल सैमसंग असिस्टेंट से आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मेरे सब्सक्राइबरों ने कुछ कमेंट किया था कि अभी तक नोकट अपडेट क्यों नहीं आया, ये वो। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, खासकर प्लेटीपस पेरी ये कोई शख्स है इनके लिए। मैंने इनको बताया था 31 जुलाई को नोकट अपडेट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने सही बताया था, इन्होंने बोला कि चेक दिस आउट ब्रो। आप देख सकते हैं इस लिंक पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये वाला पेज मिला। इस पेज में आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 31/8/2017 को नोकट अपडेट आएगा इनके हिसाब से। और आप दोस्त देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे सैमसंग गैलेक्सी J7 2015 भी है, उसके अगर सामने देखा जाए तो 28/8/2017। आप देख सकते हैं 28/8/2017। तो आप दोस्तों आप मुझे बताइए 31 तारीख पहले आती है 28 पहले आती है ना, तो इसका मतलब J7 2015 को सबसे पहले अपडेट मिलेगा देन कंपैरिजन टू गैलेक्सी J7 2016। तो आप मुझे बताइए दोस्तों J7 2016 का सब कुछ कम्प्लीट हो गया है, वाईफाई सर्टिफिकेशन मिल गया है उसको, बेंचमार्क टेस्ट कंप्लीट हो गया है, नहीं हो तो आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप है सैमसंग गैलेक्सी J710 FPS, आप अपने मोबाइल में अंदर जाके देख सकते हैं। ये तीनों मोबाइल का ये A3 का है, A320 जो नीचे है वो वाला कौन सा है शायद मुझे ध्यान नहीं है, इसका तो मुझे ध्यान है, ये अपना J7 का है आप देख सकते हैं इस पर, और सब कुछ इसका कम्प्लीट भी हो गया है। जबकि J7 2015 की तो अभी बात भी नहीं चली है, तो उसको अपडेट कहाँ से मिल जाएगा आप बताओ। और अभी भी मैंने न्यूज एक वेबसाइट पे देखा था, इसमें देख सकते हैं आप कि सैमसंग स्टार्ट रोलिंग आउट एंड्रॉइड 7.2 गैलेक्सी A3 2017 इन रसिया 19 हॉर्स एगो, यानी एक दिन पहले कल आप मतलब A3 को नोकट अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया रसिया में। तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा अब थोड़े बहुत दिनों में 19 हॉर्स एगो, यानी कल परसों तक हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिए और रोज़ाना आपके लिए एक नई वीडियो में लेके आता ही रहता हूँ कौन सी भी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ धन्यवाद।